हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों स्वागत करता हूँ आपका आपके चैनल पे जिसका नाम है अफर्मेशन फॉर यूट्यूबर्स। दोस्तों आज के दिन में हम लोग जादुई बुक यानी कि जी मैजिक बुक इसका जो है दोस्तों 24वां दिन यानी कि जादुई छड़ी इस पार्ट के बारे में हम लोग जानना चाहेंगे। उसी के साथ साथ दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें क्यों ऐसा बोला गया है कि जादुई छड़ी, ये हम लोग आज जो है इस चैप्टर में हम लोग जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों बता दूंगा कि इससे पहले वाले अगर आपने चैप्टर देखे नहीं है तो आज है 24वां दिन, 23 दिन तक इसको पूरा देख लीजिए, पूरी प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके बाद ये जो है वीडियो जो है आप अभी देख सकते हैं, लेकिन इसकी प्रैक्टिस जो है आपको कल यहां पर जो है करनी है। तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। तो आज के वीडियो को शुरू करने से पहले ही मैं आपको बता देता हूं कि आज का जो टॉपिक है इसमें हम लोग खुद के लिए कभी भी यहां पर आज जो है ब्लेसिंग नहीं बोलने वाले हैं। आज जो है हम लोग दूसरों को यहां पर ब्लेसिंग देने वाले हैं, दूसरों को के बारे में हम लोग यहां पर कृतज्ञ होने वाले हैं, क्योंकि जादुई छड़ी का जो है ये जो चैप्टर है इसमें यही बोला गया है कि किस तरह से आप आपके अंदर की जो एनर्जी है, आपके अंदर की जो पावर है, इसको आप एक जादुई छड़ी की तरह यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि जब भी आपका ध्यान जाता है वहां ऊर्जा प्रवाह होती है, यानी कि कोई एक पर्टिकुलर वस्तु पे, एक चीज पे आपका ध्यान जाता है तो वहां पर क्या होता है दोस्तों, ऊर्जा प्रवाह होती है। इसलिए जब आप कृतज्ञता की ऊर्जा को किसी दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता की ओर निर्देशित करते हैं तो सारी ऊर्जा उसी ओर प्रवाहित होने यहाँ पर जो है लग जाती है। जब आप किसी व्यक्ति के लिए यहाँ पर ब्लेसिंग बोलना स्टार्ट करते हैं तो वो जो ब्लेसिंग है उस व्यक्ति के जीवन में बहुत ही बड़ा परिवर्तन यहाँ पर लेके आती है, उसी के साथ साथ आपके जीवन में भी यहाँ पर जो है परिवर्तन लेकर आती है। अब मैं बताना चाहूंगा, ईसा मसीह जब भी यहाँ पर जो कोई चमत्कार करते थे तो सबसे पहले वो जो बीमारी है उसको वो धन्यवाद बोलते थे, उसके बाद इस दुनिया को धन्यवाद बोलते थे, अपने इस हाथ को धन्यवाद बोलते थे जिससे वो चमत्कार करते थे, और उसके बाद यहाँ पर तुरंत में चमत्कार यहाँ पर जो है हो जाता था। अब ऐसा है कि ईसा मसीह का जो लेवल था वो उस लेवल पे हमको जाने में कई साल और कई जन्म यहाँ पर लग सकते हैं, तो हम यहाँ पर वो बात नहीं करेंगे। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप कृतज्ञता की जो ये ताकत है इसको आप जो है दूसरों के भलाई के लिए यहाँ पर जो है यूज कर सकते हैं। बहुत ही छोटी सी प्रैक्टिस है, कुछ भी नहीं करना है दोस्तों। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, तो थोड़ा सा मैं जल्दी से आपको जो है पढ़ के बता देता हूँ। तो चलिए देखते हैं। यदि आपके परिवार के कोई सदस्य, मित्र या कोई दूसरा व्यक्ति जिसकी आप परवाह करते हैं बीमारी या आर्थिक तंगी से परेशान है या अपने कामकाज में दुखी है, तनावग्रस्त है, इसलिए दुखी है क्योंकि उसका रिश्ता टूट गया है, उसका खुद में विश्वास खो गया है, वह मानसिक समस्याओं से परेशान है या अपने जीवन में हताश महसूस कर रहा है, तो आप उसके स्वास्थ्य, दौलत और खुशी को बढ़ाने के लिए कृतज्ञता की अदृश्य शक्ति का इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं। आपने दोस्तों यही सुना होगा कि जब आप किसी और की भलाई करते हैं, जब हम किसी और के बारे में अच्छा सोचते हैं तो वो जो ब्लेसिंग्स है हमको भी वापस यहाँ पर जो है मिलती है। तो आज के जो चैप्टर है जादुई छड़ी, इसमें हम लोग मान लेते हैं हमारे दो हाथ है ये जादुई छड़ी है, हम किसी और को यहाँ पर जो है ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर ब्लेसिंग्स दे रहा हूँ, ये मेरे जो है हाथ जो है ये है मेरे जादुई छड़ी, मैं आपके बारे में अच्छा सोच रहा हूँ, आपको मैं जो है धन्यवाद बोल रहा हूँ, तो ये जो मेरी ब्लेसिंग्स है आप तक जाएंगी और आपके जीवन में एक परिवर्तन यहाँ पर जो है लेके आएंगी। अब किस तरह से प्रैक्टिस करना है आपको मैं बता देता हूँ, बहुत ही यहाँ पर ईजी है, जल्दी से वीडियो यहाँ पर हमारा खत्म हो जाएगा। देखिए सबसे पहले क्या करना है आपको, कोई भी तीन व्यक्ति का यहाँ पर जो है आपको फोटो लेना है। तीन व्यक्ति कोई भी हो सकते हैं, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपके वाइफ हो सकती है, आपका बच्चा हो सकता है, पर कोशिश ये करिए कि आपका एक फैमिली मेंबर रहना चाहिए और बाकी दो अलग अलग होने चाहिए, यानी एक फैमिली मेंबर एक आपका कोई भाई होना चाहिए, यानी भाई बोले तो अगर आप लेडीज हो तो आपका भाई यानी आपके मायके के घर वाले, अगर आप जेंट्स हो तो आप किसी दूसरे व्यक्ति का आपको करना है, जैसे कि आप अपनी वाइफ को ले सकते हैं और अपने फ्रेंड को ले सकते हैं, अपने पड़ोसी को ले सकते हैं, इनकी एक जो है आपको तीन फोटो यहाँ पर जमा कर लेनी है। उसके बाद सबसे पहले क्या करना है आपको, अगर वो व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान है, ऐसा लग रहा है कि उसके कोई काम रुके हुए हैं, उसके पास पैसा नहीं है, उसको जॉब नहीं लग रही है, उसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, उसके साथ बहुत बुरा हुआ है, उसकी वाइफ उसको छोड़ के चली गई है, उसका पति उसको छोड़ के चला गया, बहुत सारी समस्या होती है, मैं क्या क्या बताऊँ आपको पता नहीं, लेकिन आप जो भी है ऐसे समस्या ग्रस्त जो लोग हैं उनको आप लेके आइए उन फोटो में। वैसे फोटो तो रहना बहुत जरूरी है, लेकिन अगर नहीं भी रही तो आप उनको सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं उनका नाम लेके। अब क्या करना है आपको, उस फोटो को आपको देखना है और आंखें बंद करके आपको कल्पना करनी है कि उस व्यक्ति को जो भी प्रॉब्लम हुई है वो प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो चुकी है और वो बहुत ही ज्यादा खुश है, और आपको अचानक उसका कॉल आता है और बोलता है कि अरे मेरी ये जो समस्या थी, मेरी ये पैसों की समस्या थी वो सॉल्व हो गई है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा आपको यहाँ पर जो है कल्पना यहाँ पर करना है। तो आज के जो वीडियो है इसमें हम लोग जो है दूसरों को ब्लेसिंग दे रहे हैं, तो आपको इस तरह से कुछ जो है आपको ब्लेसिंग यहाँ पर देना है। और क्या करना है देखिए मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर बोलना क्या है। सबसे पहले मैं एक नाम ले लेता हूँ, जैसे कि मेरा नाम निशांत है,
तो मैं बोलता हूँ जैसे आप मेरे लिए प्रेयर कर रहे हो, समझ लो आप मेरे को जो है ब्लेसिंग्स दे रहे हो, कृतज्ञ मेरे लिए हो रहे हो, तो आपको क्या करना है कि आपको बोलना है कि निशांत के खुशी के लिए, निशांत के दौलत के लिए, निशांत के स्वास्थ्य के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, ऐसा तीन बार बोलना है। निशांत के खुशी, दौलत और स्वास्थ्य के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, निशांत के खुशी, दौलत और स्वास्थ्य के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। इस तरह से आपको पहली फोटो को देखना है, उसको इस तरह से आपको तीन बार कृतज्ञता यहाँ पर महसूस करनी है, धन्यवाद 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 बोलना है। जैसा मैंने यहाँ पर अपना निशांत नाम लिया, आपका कोई भी दोस्त का नाम हो सकता है, आपके बच्चे का नाम हो सकता है, आपके हस्बैंड का नाम हो सकता है। अब अगर आप अपने हस्बैंड के नाम ले रहे हैं तो आप अपने हस्बैंड का नाम लीजिए, उनके खुशी के लिए, उनके दौलत के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और अगर आप अपने बच्चे के बारे में बोल रहे हो तो आप अपने बच्चे का नाम लेके यहाँ पर जो है इजीली यहाँ पर आपको ये बोलना है। और ये सब बोलने का काम क्या होता है, आपको ये इमेजिन करना है कि आपके पास एक जादुई की छड़ी है और आप दूसरों के जो दुख दर्द है इसको मिटाने का काम कर रहे हो, ऐसा आपको इमेजिन करना है। और बस आज का जो चैप्टर है इसी में यही जो प्रैक्टिस है यहाँ पर जो है बताई गई है। दोस्तों ऐसा नहीं है कि इसको आपको किसी एक जगह पे बैठ के करना है, आप इसको बैठ के भी कर सकते हैं, या हो सकता है आप ड्राइविंग कर रहे हो तो आप ड्राइविंग में भी आप क्या करते हैं इमेजिन कर सकते हैं, उस व्यक्ति का नाम लेके उसको कृतज्ञता उसको दर्शा सकते हैं, उसको यहाँ पर जो है धन्यवाद यहाँ पर बोल सकते हैं। कहीं पर भी आपको जब भी समय मिले, ऑफिस में समय मिले, खाना बनाते हुए समय मिले, पोछा मारते हुए समय मिले, जब भी आपको समय मिले तो आप ये जो काम यहाँ पर जो है कर सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग जो है लास्ट वाला हम लोग पढ़ेंगे कि इसमें क्या करना है, बाकी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, आज मैंने बिल्कुल भी ज्यादा आपको पढ़ के नहीं बताया, सिर्फ मुझे जितना समझा है मैं जितना करता हूँ उतना ही आपको यहाँ पर मैं बताया। अब लास्ट के हम लोग जो है 6-7 जो पॉइंट है जो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं वो बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो अपनी नियमित गिन लो, और नियमित में आपके कोई भी 10 नियमित यहाँ पर ले लो, हर एक तारीख को नई नई नियमित यहाँ पर ले सकते हैं। अगर आपको लगता है वही नियमित रखना है तो वही नियमित यहाँ पर ले सकते हैं जिसके लिए आप खुश हो, ठीक है, उन नियमितों के बारे में उसको धन्यवाद दीजिए। उसके बाद सेकंड पॉइंट, कोई भी 3 लोगों को चुने जिसकी आप परवाह करते हैं, ठीक है, और उसके जो है सेहत, दौलत और खुशी इन तीनों को ही पाने में मदद करना चाहते हैं, ये हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरे पॉइंट में आपको क्या करना है, यदि आपके पास तीनों के अलग अलग फोटो है तो जादू की छड़ी का अभ्यास करते समय फोटो अपने सामने रखें, यानी आप फोटो रखोगे तो आप ऐसे हाथों को इस तरह से करोगे, यानी कि आपकी जादू की छड़ी है, आप उनके लिए धन्यवाद बोल रहे हो, उनके खुशी के लिए, सेहत के लिए, पैसे के लिए, इस तरह से आपको करना है। उसके बाद चौथे नंबर का पॉइंट बोल लूंगा, एक बार में एक व्यक्ति ले और उसके फोटो अपने हाथ में रखे, अपनी आंखें बंद कर ले और एक मिनट के लिए यह मानसिक चित्र देखे कि उसकी सेहत, दौलत और खुशी वापस आ चुकी है और वो बहुत ही अच्छा खुश है, और उसका जो आपको न्यूज़ आ रही है कि आपको अपना सुनाई दे रहा है, आपको उसने कॉल किया और बोला कि यार वो देखो मेरा जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो चुका है, मैं बहुत खुश हूँ, इस तरह से आपको कल्पना करनी है। और उसके बाद अपनी आंखें खोले और फोटो अपने हाथ में रखते हुए जादुई शब्द धीरे धीरे कहे, जैसे कि मैंने बोला कि निशान की सेहत, दौलत और खुशी के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, ऐसा 3 बार आपको बोलना है। इसको एक बार आप अच्छे से करके देखना। और लास्ट वाला मैं बोलना चाहूंगा, जब आप एक व्यक्ति के लिए कर दे तो अगले व्यक्ति तक पहुंचे और इन्हीं कदमों को यहाँ पर अनुसरण करें। इस तरह से आपको किसी भी 3 व्यक्ति के लिए 1 महीने तक यहाँ पर करते रहिए, ठीक है। अगर जल्दी उनको असर मिल जाता है तो आप जो है दूसरे व्यक्ति को भी यहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन करना जरूरी है। जब भी 24वां दिन आएगा, यानी कि हर महीने के जब भी 24 तारीख आएंगी, तो आपको ये जो काम यहाँ पर जो है करना है और उन व्यक्तियों को यहाँ पर जो है आपको ब्लेसिंग दे रही है। और सबसे लास्ट वाला, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर अपने हाथ में रखें, दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीजों को यहाँ पर याद करिए, वो थोड़ा सा मुस्कुराइए और धन्यवाद बोलिए और आराम से यहाँ पर सोने के लिए आप जा सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही। यहाँ पर मैंने बताया कि जादुई छड़ी यानी कि 24वां दिन किस तरह से काम करता है। आज के दिन में हमको जो है दूसरों के लिए ब्लेसिंग यहाँ पर देनी है, जिसको हम लोग लाइफ में आगे बढ़ाना चाहते हैं उन व्यक्ति का नाम लीजिए, फोटो लीजिए, उसको देख के आपको बोलना है धन्यवाद 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 इनके दौलत के लिए, स्वास्थ्य के लिए और खुशी के लिए धन्यवाद बोल के यहाँ पर जो है ये चैप्टर यहीं पे मैं खत्म करता हूँ। आज का वीडियो बस इतना ही दोस्तों, अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों को जरूर बता देना। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू वेरी मच दोस्तों।